करती हूं आपका M4E न्यूज में, आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हैदरगढ़ बाराबंकी जनपद से होते हुए निकलने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का दिन शनिवार को प्रमुख सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा निरीक्षण किया गया। सुबह लगभग 8:30 पर हेलीकॉप्टर से हैदरगढ़ पेचरुआ कैंप कार्यालय पहुंचे प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी और यूपीडा के अधिकारियों के साथ लगभग 30 मिनट तक समीक्षा बैठक की। उसके बाद वायाकार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और कमी न मिलने पर अधिकारियों की सराहना करते हुए यूपीडा के अधिकारियों को निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव ने कहा है कि लखनऊ और बाराबंकी जनपद की सीमा तक 26 जनवरी 2021 तक कार्य संपूर्ण कर हाईवे को छोटे बड़े वाहनों के लिए खोल दिया जाए। प्रमुख सचिव ने आगे कहा कि पैकेज 1 में रेलवे ओवरब्रिज और पैकेज 2 में गोमती नदी पुल का निर्माण कार्य जल्द समाप्त हो जाएगा, इसके लिए हम डे टू डे मॉनिटर करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोगों के लिए जल्दी से जल्द इस कार्य को संपूर्ण किया जाए। प्रमुख सचिव ने चैनपुरवा गांव के ग्रामीणों द्वारा बनाए गए मधुमक्खी से मोम के दियो से अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की बात कही। चैनपुरवा में दिया बनाने का रोजगार कर रहे ग्रामीणों की प्रशंसा करते हुए कहा, चैनपुरवा गांव के बने दिए स्थानीय जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में विख्यात हो रहे हैं। इसी के चलते अयोध्या के दीपोत्सव में चैनपुरवा के बने 50,000 दियों से उजाला किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी की प्रशंसा करते हुए कहा, आपसे मिली प्रेरणा से ग्रामीणों ने गलत कार्य को छोड़कर अच्छे कार्यों का चुनाव किया है। वह सभी चैनपुरवा के ग्रामीणों ने छोटे छोटे लघु उद्योग को माध्यम बनाकर एक अच्छे जीवन का शुभारंभ किया है, जो बेहद ही प्रशंसनीय है। वह लोगों के प्रति अपनी सहनशीलता दिखाते हुए लोगों को अपराध मुक्त कर एक अच्छे पुलिस अधीक्षक का परिचय दिया है। आप सबको मालूम है कि दिवाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो है दीपोत्सव की बैठक अयोध्या में ली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी दिए आप हमको दे सकते हैं दीपोत्सव के लिए अयोध्या के लिए वो जरूर दें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से दीपोत्सव के समय भी जो है हम लोग चैनपुरवा के बने हुए जो दिए हैं जिसमें जो है वैक्स भी जो है यहाँ का 20 वैक्स यूज किया गया है, मुझे बताया गया कि लगभग 3 घंटे तक ये दिया चलता है, इसको जरूर हम लोग उपयोग करेंगे। आप सबको, बाराबंकी के सभी लोगों को और आप सभी पत्रकार की अध्यक्षता में टीम आई है, हमारे आलोक टंडन साहब और ACS इंडस्ट्रीज श्री आलोक कुमार साहब भी साथ में हैं। पूरी टीम ने आज समीक्षा की है और निर्देश ये दिया है पैकेज 1 और पैकेज 2 के अधिकारियों को, गायत्री के सभी सीनियर ऑफिसर भी यहाँ हैं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी हैं, कि ये लखनऊ और बाराबंकी का जो हिस्सा है इस हिस्से को हर हालत में 26 जनवरी तक चला देना है। आज जो समीक्षा की है उसमें ये पाया है कि पैकेज 1 में हमारी एक रेलवे ओवर ब्रिज जो होता है ROB वो क्रिटिकल है, हम लोग अब उसको डे टू डे मॉनिटर करेंगे, और पैकेज 2 में जो है हमारा जो पुल है गोमती नदी पर वो क्रिटिकल है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हालत में जनवरी के अंत तक शुरू कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपीडा के इस प्रोजेक्ट को, पूर्वांचल को, हर हालत में जल्दी से जल्दी पूरे प्रदेश के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए, देश में एक मिसाल बनाते हुए इस कार्य को पूरा करने और अच्छे से अच्छे क्वालिटी करने का निर्देश दिया है। तो आज ये पहली बैठक हम लोग यहाँ आज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बैठक हुई है, हमारे सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जनवरी के अंत तक इस कार्य को करेंगे, लेकिन डे टू डे मॉनिटरिंग करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी क्रिटिकल हमारे प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट का पार्ट है, उसको हम जल्दी जल्दी कर लें। हम यूपीडा के बारे में ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम भी चल रहा है, वो भी लगभग 23-24% तक हो गया है। आज यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो ओवरऑल काम है वो 62-63% तक हो गया है, और हमारी कोशिश है कि जनवरी के अंत तक इसको जो है रोड को चालू कर दें और लोगों को इसका लाभ दें। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल M4E न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज समय से प्राप्त होती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।